हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरित गेमिंग। यह है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 74। आज के एपिसोड में कुछ बहुत ही भयंकर हम लोग करने वाले हैं। आज मेरे पास कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट में, आपको पता होगा यार, फिजिक्स वाली चीजें कुछ काम नहीं करते, मतलब कुछ भी अलग हो जाता है। फिजिक्स क्या यार, यहाँ पे बायोलॉजी भी काम नहीं करती, आप लोगों ने देखा ही है। तो आज मेरे पास ऐसी एक चीज है, ऐसा एक मॉड है मेरे पास, जिसकी हेल्प से माइनक्राफ्ट में फिजिक्स का कोई सेंस बनेगा, मतलब यह माइनक्राफ्ट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से नेचर मतलब लाइफ में चीज़ें काम करती है। अगर कुछ चीज़ ऊपर से गिर रही है तो मतलब यार क्या बताओ भी, बस यही है। ये खतरनाक मॉड है, इस मॉड का नाम ही फिजिक्स मॉड है। तो यार ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे एक ही चीज़ याद आई थी यार, मतलब माइंड में आया, देखो हमारा खोखला कैसा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को कह रहे थे यार कि ये इसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो मैं हाइट्स की कम कर सकता हूँ। मैं इसीलिए भी मैंने इसको करा नहीं, इस पर बहुत काम करना है बाकी। शायद एक और एपिसोड आएगा जिसमें मैं इसमें ऑटोमेटिक डोर बनाऊंगा, इसको इंटीरियर वाला काम करूंगा। अभी मुझे श्योर नहीं है कि एपिसोड में लाना चाहिए या ऑफ कैमरा कर दूं, आप लोग बताना उसको। तो अभी इसको करेंगे हम लोग। आज की जो बात है, तो जैसे ही इस मॉड को मैंने देखा, मुझे एक ही बात याद आई यार, मैं इससे एक काम कर सकता हूँ, वो है डायमंड की माइनिंग या फिर नॉर्मल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग कह लो। बट हम लोग जाएंगे माइनिंग करने, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इसका आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे किस तरीके से काम करता है। और हम लोग जाते हैं अभी बाहर कहीं पर, इधर कहीं पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारे पास, हाँ इधर कहीं पर चलते हैं और यहाँ कहीं पर मैं आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको अभी तक नॉर्मल लग रहा होगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ग्राफिक्स वगैरह वही है, सारे कुछ सब कुछ सेम है मेरे वर्ल्ड की तरह। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी जैसे ही हम लोग कुछ करेंगे। मैं जैसे किसको मारूं यार, पहले इसको नहीं मारता यार, पहले मैं इस छोटे से पेड़, नहीं आपको पहला ट्रेलर खतरनाक देना चाहता हूँ मैं, तो मैं इस पेड़ को काट के देखता हूँ। देखो ये ब्लॉक तोड़ा मैंने, नॉर्मल है, और ये देखो, ओह शिट, ये कितना खतरनाक लग रहा है। मैंने भी ना, मुझे भी नहीं पता क्या क्या कर सकता है, बट मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए एक ब्लॉक तोड़ के देखा तो कुछ अलग सा इफेक्ट है, और मतलब कुछ खतरनाक ही लग रहा है। जैसे ब्लॉक तोड़ता हूँ मैं इसको, ये देखो कैसे गिर रहा है यार, मतलब बस ये एक चीज़ की कमी लग रही है। अगर साउंड इफेक्ट भी ऐसा कुछ आता ना, मतलब साउंड इफेक्ट नॉर्मल सा आ रहा है जैसे माइनक्राफ्ट में होता है, बट अगर साउंड इफेक्ट होता इसके साथ में तो कुछ अलग ही होता, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता, कानों में सुनने में बहुत सही लगता है। तो ये देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है, देखो अभी कितना सही लग रहा है यार ये, मतलब बहुत बेस्ट तो नहीं है बट यार जितनी भी है, जिसने भी मेहनत करी है, ये बहुत सही, मतलब अलग ही लग रहा है यार। सोचो माइनक्राफ्ट, अगर धीरे धीरे माइनक्राफ्ट भी आगे जाके ऐसा कुछ हो जाए, रियल लाइफ जैसी चीज़ें हो जाए माइनक्राफ्ट में, तो कितना सही लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कोई इसको मार के, हम लोग रात को मारेंगे थोड़ा सा, तो इसको नहीं मारता यार मैं अभी, हम लोग ना वेट करते हैं, मॉब का वेट करते हैं, रात को जैसे ही वो आएंगे तब उनके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि पानी में भी देखते हैं कि पानी में कुछ हो सकता है क्या। एक्सपेरिमेंट मेरे को हर जगह करने, पेड़ काट के देख लिया हम लोग, पहाड़ तोड़ के भी देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा शायद नहीं होगा, देखते हैं पानी में। नहीं यहाँ पर भी, अरे ये सारे ऊपर बह के आ रहे हैं, अरे वाह, इसमें से मेरा ब्लॉक कौन सा, अच्छा उधर है अकेले है, अरे वाह। तो यार ये मॉब, मतलब ये बहुत सही तरीके से काम कर रहा है अभी तक, बस वही कमी से लग रही है साउंड इफेक्ट की, यार साउंड इफेक्ट और कुछ मैच सा नहीं हो रहा उससे, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी रात होने में थोड़ा सा टाइम है, मैंने सोचा यार क्यों ना तब तक मैं थोड़ा सा अपनी जो सीड्स वगैरह मेरे को लगा नहीं, क्योंकि यार ये धीरे धीरे अभी मेरे पास टाइम, अभी क्योंकि मेरे को टाइम काटना है रात होने तक का वेट करना है, तो इससे अभी मतलब इससे बेस्ट टाइम क्या होगा कि यार जो मैं सीड है इनको लगा दूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा वेट होने वाला है आगे के, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारा कुछ मैंने सोचा हुआ है कि यार आगे अपने विलेज को थोड़ा सा और बेटर मेरे को बनाना है, मतलब विलेज को हमारा वर्क स्टेशन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी मैं लेने जाता हूँ चीज़ें मेरे को ना सारे लोग मिक्स दिखते हैं, मतलब बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पर, तो यार बहुत सारे, क्योंकि हमारे विलेज में बहुत सारे लोग हैं, तो यार इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। मैं चाह रहा हूँ उनको धीरे धीरे करके कुछ अलग तरीके से बनाने का मैंने आइडिया सोचा हुआ है, वो मैं करने वाला हूँ। और देखो मेरे पास अभी हो भी नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं लगा रहा हूँ, मतलब मेरे पास हो नहीं है, तो अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वैसे ही हो जाएगी, मतलब उसको मैं वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो रात हो गई, अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे, और घर के आसपास ही मैं देख रहा हूँ यहाँ मॉब आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उजाला बहुत हो चुका है यहाँ पर, अभी चांसेस थोड़े, देखो यहाँ पर क्रीपर है, मैं सब में एक हर टाइप के मॉब में ट्राई करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्रीपर है और ये मेरी कैट बैठी हुई है, ठीक है, मेरे को देखना सबसे पहले, एक सेकेंड, कैट नहीं, मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखा था ये, अरे वो देखो वो तो हमने खुद ही एक्सपोज कर दिया यार, मतलब मैं दिखाने वाला था लेकिन उसने पहले ही वो कर दिया। मैं आपको दिखाता कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्रीपर में देखना चाहता हूँ यार, ये हम उसको फाड़ता ना हमेशा, आज मैं देखता चाहता हूँ इसमें, देखो कैसा लगा, अरे वाह, देखो साउंड इफेक्ट के साथ थोड़ा सा मैच नहीं हुआ, बट देखो क्रीपर के टुकड़े सारे यहाँ पर फैले हुए हैं और ये आ चुका है, अरे वाह कैसा लग रहा है यार अलग ही। तो अब जाके किसको मारा हम लोग, स्पाइडर, हमको अगर स्पाइडर दिखता है कहीं पर
बट मुझे नहीं लग रहा है अभी स्पाइडर हमारे वर्ल्ड में बहुत कम हो गए चीज़ें स्पॉन होना, क्योंकि उजाला बहुत ज़्यादा हो गई, रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई इस चक्कर में। अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं यार। अच्छा मेरे को, अरे शिट शिट शिट, स्केलेटन को देखना, स्केलेटन की हड्डियाँ कैसे उछल उछल के जाती है। अरे तो ये देखो इसकी कैसे दिख रही है मकड़ी, तो कुछ अजीब ही लग रहा है देखने में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार सो जाए, अभी हम लोग रात में ये चीज़ तो देखी, मतलब मैं हर चीज़ में ना एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा था कि भाई कैसी चीज़ें लगती है। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बस हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा था कि चीज़ें कैसी लगती है। एक डॉग उठ गया हमारा, इसको बैठा देते हैं। अब जाके हम लोग चलते हैं माइनिंग में, अपनी माइन के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जितने मॉब्स हैं उनको तो हमने मार, देखो अभी तक, और इसके अभी तक पड़े हुए टुकड़े देखो, ये देखो अब धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। और यहाँ पर और कौन है मॉब, यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। तो हम लोग चलते हैं इस वाली माइन में, इसके अंदर जाके हम लोग माइनिंग करेंगे, देखते हैं कि भाई क्या होता है और कैसा रहता है ये हमारा। तो ये है वो माइन, यहाँ से मैंने एक पहले गेट भी बनाया हुआ था बट उसको मैंने बंद कर दिया, मतलब बहुत सारा कुछ अलग था यहाँ पर पहले। और ये वाली माइन है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, बहुत टाइम बाद यहाँ पर जा रहा हूँ, खाना वाना एक बार खा लेते हैं। ये शायद मेरी पहली माइन थी, और जब मैंने माइन ये बनाई थी, जब मैं ये माइनिंग वाली वीडियो बना रहा था, बाद में इनको पता चला था कि यार मेरी वीडियो, मतलब उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कई बार, तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो बहुत फिर मैंने दोबारा अपने अपने घर के नीचे वाली माइन दोबारा बनाई थी, मतलब एपिसोड एक ही था, पहले ये बनाई मैंने दो तीन बार, एक बार रिकॉर्ड करी थी, उसके बाद से एंड में देखा कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो दोबारा से रिकॉर्ड किया था। तो ऐसा पंगा हो गया था। अभी हम लोग चलते हैं कहीं पर, मुझे नहीं पता कि यार ये बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस वाली माइन में, इनको तो माइन करके कुछ पता नहीं चलेगा ना शायद। देखो 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 कैसा लग रहा है, अरे मैं गिर जा रहा हूँ। मैं मेरे को ना डायमंड चाहिए कहीं पर यार, इस वाली में डायमंड होगा नहीं होगा। अरे ओ शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या हुआ वहाँ पे, अरे बाप रे, एक सेकंड ये क्या हुआ यार, ये पूरा खाली हो गया इतना। अरे ये तो ग्रेवल की तरह काम कर रहा है, जैसे ग्रेवल में होता ना कि पूरा खाली हो जाता है, वैसे ही काम कर रहा है। मेरे को देखना है कोई माइन जिसमें मेरे को लगता हो कि यार डायमंड वायमंड था, जो मैंने बंद कर रखे कॉबलस्टोन लगा के, वो तो मेरे को लगता है कि शायद उसमें कुछ था ऐसा इश्यू, मतलब ये वाली माइन थी ना शायद, ये है इसमें हम लोग जाते हैं, इसमें जाके देखते हैं कि भाई हमको अगर मिल जाता है, मेरे को एक बार तोड़ के देखना यार डायमंड तोड़ के कैसा लगेगा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि डायमंड कैसा लगता है। पर पता नहीं मेरे को अभी डर लग रहा है, उस टाइम पे हुआ क्या था वो, हम अभी ऊपर वाला अगर तोड़ें, अरे नहीं शिट, अरे ये तो पूरा सही में, अरे नहीं यार ये तो आसपास का पूरा एरिया इसने क्लियर कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इतना सारा एरिया कवर कर ले रहा, मतलब जैसे ग्रेवल टूटता है ना तो वैसी, अगर देखो आयरन टूट भी गया, अगर हमको डायमंड मिलेगा भी तो दिखेगा नहीं, ये तो यार मतलब खतरनाक सा हो रहा है, जैसे रियल में, मतलब सच में रियल जैसा ही हो रखा है। देखो अगर नीचे की चीज़ें हटाओगे तो उसके ऐसा नहीं पूरी, मतलब ऐसा तो होता नहीं कि पूरा ही खाली हो जाएगा, बट उसके आसपास उससे जुड़ी हुई जो दीवारें होती हैं वो पूरी टूट जाएंगी, अगर ऐसा हम लोग करते हैं जैसे पेड़ काटते हैं नीचे से, तो पेड़ पूरा गिर जाएगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पर भी ऐसी ये काम कर रहा है, और पता नहीं यार माइनिंग कैसे कर पाऊँगा ऐसे में, क्योंकि मेरे को बार बार पीछे हटना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना, और मैं दबूंगा तो नहीं ना इसके बीच में, पता नहीं, नहीं दबूंगा तो नहीं वो, क्योंकि वो ऐसा इल्यूजन सा है बट है कुछ नहीं वो। और यहाँ मुझे लग रहा है शायद कोई केव वगैरह है, तो यहाँ पर फ़ायदा नहीं यार तोड़ के, देखो यहाँ पे पूरी केव से लावा, मुझे लग रहा है लावा है वहाँ पीछे, लावा गिरने वाला है। इसमें चढ़ सकता हूँ क्या, नहीं देखो एक ही बार में टूट जा रहा है यार, इससे क्या हो रहा है, गिर गया, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि लावा कैसा लगता है वहाँ पे, अगर गिरेगा शायद लावा ही है, मुझे लगता है लावा है पीछे वो लाइट से जली हुई है। अरे नहीं नहीं अब गिरे को लावा हो गया, अरे भाई जबरदस्त। तो यहाँ पे लावा है और मुझे लगता है कि इसने शायद इसके चक्कर में ही सारा खाली हुआ है, पता नहीं यार मुझे यहाँ कहीं पर डायमंड मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ट्राई करूँगा इधर उधर माइन में जाके कि अगर मेरे को डायमंड मिले, ऐसा कुछ है नहीं कि डायमंड के साथ ही एक्सपेरिमेंट होना, बट मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि डायमंड के साथ में कैसा होता है, पता नहीं यार। ऐसे में हम लोग डायमंड अगर माइन करना चाहें तो मुझे लगता है इजीली माइन कर सकते हैं, बट ये तो नहीं यार, ये तो बहुत, मुझे लगता है कि इसके एक लंबाई है जितना, मतलब एक लेंथ तक जा रहा है, एक डिस्टेंस तक जा रहा है, उतना जितने भी स्टोन्स हैं उसको तोड़ दे रहा है एक लाइन के शायद, पता नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वही बात है ना कि यार पहाड़ का एक पत्थर होगा, अब पता नहीं एक चंक को तोड़, देखो ये कैसे गिरा, पता नहीं एक चंक को तोड़ रहा है, फिर क्या चीज़ें यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ भी नहीं है इनमें, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से चीज़ें तोड़ रहा है। बट अभी मुझे लगता है कि यार हमको नीचे, मतलब ऊपर जाना ही ज़्यादा सेफ है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ में। मुझे तो लगा था कि यार मैं इसके साथ में माइनिंग करूँगा तो बहुत
अच्छा लगेगा, बट अभी आ जाके मेरे को पता चला कि एक स्टोन तोड़ते तो उसके आसपास का एरिया जैसे नॉर्मली होता है लाइफ में, तो वैसे ही इसको भी ये तोड़ देगा। तो यार ऐसे में माइन करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सेफ क्या अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि प्रॉब्लम आ रही बहुत सारी, पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ है, पूरा गिर जा रहा है और एक तोड़ने के बाद मुझे पीछे आना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है उसके गिरने का, फिर दोबारा से आना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार इसको ना आप रेडस्टोन में लगाओ, तो मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ इसको रेडस्टोन ब्लॉक में लगाने का। मुझे नहीं पता कि क्या होगा इससे, बट मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, शायद ये मूव होगा या फिर क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। कहाँ पर? लेकिन मेरे को रेडस्टोन कहाँ पर लगाना पड़ेगा? रेडस्टोन यहाँ पर लगा दूँ क्या? इधर पर? अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा, ये तो वैसे ही काम कर गया, मतलब बिना रेडस्टोन पर लगाए, है ना, ये ऐसे ही काम कर गया। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को इसको कहाँ पर लगाना चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस पे लगा सकता हूँ इसको, या फिर कहीं और, मुझे समझ नहीं आ रहा कहीं पर ना सही जगह जहाँ पे, इधर भी लगा सकता हूँ यार इसके नीचे, इसके नीचे मैं सोच रहा हूँ ये वाला ब्लॉक हटा के ना, ये ज़्यादा बेटर लगेगा यार यहाँ पर मुझे लगता है। तो पहले इसको तोड़ देते हैं यहाँ से और मेरा रेडस्टोन निकाल लेते हैं। ओह शिट, ये क्या हुआ? अरे नहीं, ओह शिट, ये क्या हुआ? तो ये तो मतलब अलग ही हो गया यार, अभी क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूं। माइनिंग करने के लिए सोचा था लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है। मेरे को माइंड में आइडिया आ रहा है, एक बार चेक करता हूं कि मेरे पास बैकअप है नहीं है, मैं याद करता हूं, चेक क्या करता हूं, अभी तो गेम खेल रहा हूं, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है मेरे पास बैकअप होगा, वरना ये तो खैर नुकसान नहीं है। बट मैं अभी कुछ चीज़ें ट्राई करना चाह रहा हूँ, आई होप कि मेरे पास बैकअप हो, अगर नहीं होगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। हम लोग धीरे धीरे चीज़ें, मैं सोच रहा हूँ अपना ना वर्ल्ड एक बार डिस्ट्रॉय करते हैं, आज क्यों ना डिस्ट्रॉय किया जाए अपना वर्ल्ड, क्योंकि ये है। और एक बार मैं श्योर मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास बैकअप है, वरना ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं एक बार चेक करके आता हूँ बैकअप। ओके, तो बैकअप है मेरे पास और लिया हुआ, मैंने बस डेट देखी, इतना चेक करने का टाइम तो नहीं था, बट होगा शायद, मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैंने ट्राई करना चाह रहा हूँ, एक बार रात हो गई तो एक बार हम लोग सो जाते हैं। मैं पहाड़ पर ट्राई करना चाह रहा हूँ कि पहाड़ अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना एरिया कवर हो जाएगा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मॉड ये काम कर रहा है, ये वाला मॉड। तो देखते हैं एक बार, सो अभी रात का टाइम नहीं हुआ है, मैं ना धीरे धीरे चीज़ें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, ठीक है, मैं अपना वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्योंकि हो चुका है, मतलब हो चुका है। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि यार ऐसा भी होता है, मतलब मुझे लगा था कि नॉर्मल ऐसा नहीं होता ना, नॉर्मल तो यार ये तो कुछ एडवांस लेवल वाला फिजिक्स इसमें लगा दिया, मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है कि यार हम लोग अगर पेड़ तोड़ रहे हैं तो पेड़ पूरा टूट जाएगा अगर जड़ से तोड़ रहे हैं, बट इसमें ऐसा है कि अगर आप पेड़ की टहनी भी तोड़ोगे तो पेड़ पूरा टूट जाएगा, तो ये तो कुछ अलग ही हो रखा है यार। मतलब ये एक ही टाइम खेलने के लिए सही है, मतलब ये बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ खतरनाक है, बहुत खतरनाक है अगर पेड़ तोड़ते हैं तो, नहीं तो खैर नॉर्मल तरीके से टूट रहा है। अच्छा हाँ, इसको तोड़ते हैं अगर, अगर ये तो खैर टूटेगा पूरा पक्का पता, लेकिन देखो ये पूरा टूट गया ना, और जबरदस्त लैंटर्न कहाँ चले गए सारे, अरे वाह। तो अभी हम लोग एक बार सो जाते हैं, मेरा माइंड में बहुत कूल कूल से आइडियाज आ रहे हैं कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस मॉब मॉड के साथ, मॉब मॉब याद आ रहा है बात बार बार में, और मैं अपने वर्ल्ड को ये जो इतनी मेहनत इतने टाइम की मेहनत लगी उस वर्ल्ड को एक बार डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूँ, देखते कि भाई कैसा होता है। धीरे धीरे एक चीज़ें करके हम लोग नीचे से एकदम हाई लेवल पे स्टार्ट करेंगे। सबसे हाईएस्ट क्या होगा? मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट होगा हमारा ये वाला घर, क्योंकि ये पूरी एक हिसाब से अगर देखा जाए रियल लाइफ में अगर ये होता तो पूरा एक हिसाब से इस ईंट पर खड़ा है पूरा, मतलब ये दीवार पर अगर ये नहीं है तो ये सब टूट जाएगा, और ये सब टूट जाएगा तो ये सब कुछ टूट जाएगा। तो ये मेरे को देखना, ये इंटरेस्टिंग होगा, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ किसी और चीज़ पर, जैसे हम लोग एक पहाड़ पर ट्राई करते हैं, ठीक है, हम लोग एक ऊंचे पहाड़ पर ट्राई करते हैं, घर से थोड़ा सा दूर जाते हैं। अभी मेरा मन, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि मेरे को तोड़ना है अपना घर, हम लोग चलते हैं दूर कहीं पहाड़ पर, और कहीं पर मेरे को ऊँचा कुछ अगर दिखता है तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ट्राई करेंगे। पता नहीं क्यों बार बार नजरें इस पर जा रही है यार कि इस पर ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं, पहले मेरे को पहाड़ पर ट्राई करना है। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे जीने मरने वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा, अंधेरा नहीं यार, अंधेरे की वजह से नहीं, बट यहाँ पर ना बहुत खतरनाक सा सिचुएशन है। देखो पूरा ऐसा लगता है, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा होगा ना हम कभी नहीं करेंगे कि यार ऐसा कुछ करें। इसको मार ले पहले, एक सेकेंड। ओके, तो मैं टॉर्च लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ से एक पत्थर हटाने वाला हूँ, और जिस पर हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि इस पत्थर पर टिकी होगी पूरी दीवार। और शिट, भागो, गिरने वाला नहीं यार, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ कुछ, मतलब जब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये काम करे उस टाइम पे काम नहीं कर।
उस टाइम पे काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा, एक सेकंड ध्यान से करना होगा, अब जाके मुझे लगता है कि कोई दूसरा वाला मेरे को तोड़ना पड़ेगा जो ऐसे नीचे वाला होगा। अच्छा ये पूरा जाएगा? नहीं, अरे नहीं ये पूरा जाने वाला है, नहीं नहीं पूरा नहीं गया यार, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जाए, मतलब मैं ऐसा कोई ब्लॉक तोड़ दूँ जो जिसकी वजह से पूरी दीवार चली जाए, जैसे ये वाला है, ठीक है इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। नहीं 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 यार ये उतना भी इफेक्टिव नहीं है, मतलब मेरे अगर मैं घर वाली नहीं नीचे की सीढ़ियाँ तोड़ता हूँ तो एक रेंज है इसकी शायद, मतलब 10-15 ब्लॉक लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं, मुझे लगा कि पूरे तोड़ देगा बट नहीं। अभी थोड़ा ऊपर था यार, रैंडम तरीके से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, रैंडम तरीके से काम कर रहा है। मैं ना एक बार पूरा तोड़ लेते, तहश नहश करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। ओके अरे 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 नहीं 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 अभी सच में अबे यार तो TNT की तरह काम कर रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। पता है इसका काम तब आ सकता है जब मेरे को बहुत ज़्यादा एरिया कॉबलस्टोन इकट्ठे करना है या फिर बहुत ज़्यादा एरिया मेरे को क्लीन कर रहा हूँ, तब ये काम आ सकता है। देखो ये दीवार अच्छा नहीं यार, ये थोड़ा सा ना फिक्स जैसा ही काम कर रहा है, मतलब लॉजिक है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा। देखो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अलग अलग टाइप के स्टोन्स हैं वहाँ पर ये जैसे कॉबल स्टोन के ऊपर अगर सोच लो कोल है तो कोल को नहीं तोड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत तोड़ेगा क्योंकि एक नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इसको ये पूरा एक स्टोन नज़र आ रहा है तो इस वजह से शायद इसको तोड़ रहा है। देखो जैसे इसमें सब में नॉर्मल वाला स्टोन है ना, ये शायद पूरा जाएगा, देखो गया पूरा गया पूरा गया, हाँ देखो देखो ऊपर, अरे वो देखो वो सीन तो देखो वहाँ पे, अबे यार ये पूरा पहाड़ खाली हो गया। एक सेकंड मैं ना इसको अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ यहाँ से, ये अंधेरा बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है, तो हम लोग जाएंगे अंदर और यहाँ पर कुछ करने का ट्राई करते हैं हम लोग। शिट शिट मर गया, इसने मार दिया था मेरे को, अभी गया क्रीपर गया था, क्रीपर की हालत कहाँ हो गई। ये टूट क्यों नहीं रहा यार, ये वाला पहाड़ कब टूटेगा, मतलब मैं चाह रहा था कि ये पहाड़ टूटे। देखो इसमें ऊपर तक नहीं जाएगा ना क्योंकि वही है स्टोन नहीं है ऊपर, ये देखो ये गया पूरा पहाड़। मेरे को एक बार पहाड़ तोड़ते हुए मेरे को देखना था कैसा लगता है, बट ये हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल सा काम मुझे लग रहा है ये वाला। सोचा अगर मैं ऐसे माइन कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे पास कौन सा वाला मॉड है। अरे नहीं नहीं अभी दब गया था यार वहाँ पे, अरे नहीं ये बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी। अब जैसे मैं ऐसा तोड़ रहा हूँ जैसे मुझे नहीं पता मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ और माइनक्राफ्ट में कोई अपडेट आ रखा है ये वाला, तो देखो पूरा दब जाएगा इंसान अंदर यार, पहली बार में तो डर लग रहा है, बट वही है कि अगर साउंड इफेक्ट होता ना तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी जंगल टेम्पल नहीं यार, जंगल वाले वुड को तोड़ने, वो क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है और वो है जंगल हमारे आसपास है घर के इधर की साइड में है, ठीक है उधर जाके हम लोग ट्राई करेंगे उस पर, क्योंकि वो वाला मुझे लगता है कि सबसे ऊँचे पेड़ है, उनको जितनी ऊँची चीज़ें होंगी ना उनको तोड़ने में जाएगा। पेड़ का तो कन्फर्म है पूरा पेड़ जाएगा, मतलब पेड़ का तो कंफर्म है मुझे कि पूरा पेड़ जाएगा, जैसे ये वाला एक पेड़ है बहुत ऊंचा पेड़ है और इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट यार यहाँ पर रह के ना थोड़ा सा सेफ नहीं है, मैं पानी में कूद जाऊँगा क्योंकि ये फटने वाला है बहुत गंदे तरीके से। ठीक है ये इसकी जड़ है और हम लोग पेड़ को काटने वाले हैं जड़ से, बट यार दो में है क्या, दो ब्लॉक में ऊँचा, और शिट ये तो पहले ही हो गया, नहीं 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 ये तो पहले ही गिर गया, उससे कनेक्टेड भी नहीं था यार पूरा पेड़ पहले ही गिर गया उसका। अबे यार क्या हो रहा है, अब गया पेड़ गया, अभी गया देखो पेड़ जाने वाला है पूरा पेड़ जाने वाला है, नहीं बचा लिया, पत्तियों ने बचा लिया उसको। पानी वाला कुछ ऐसा इफेक्ट खतरनाक सा आता ना कहीं पे। अच्छा हम अगर इसको भी तोड़ूंगा तो टूट जाएगा पूरा क्योंकि उसी से कनेक्टेड है, देखो पेड़ भी गया। तो यार ये ना जब तब काम आएगा जब मेरे को बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है ना फटाफट से, तब के लिए मुझे लगता है बेस्ट है। ये देखो गया पेड़, पत्तियाँ बच गई, मतलब ऐसा नहीं है पूरा चले जा रहा, पता नहीं अब अगर मैं घर में ट्राई करना चाह रहा हूँ हो सकता है मेरा घर बच जाए, मतलब मेरे को ज़रूरत ना पड़े ऐसा कुछ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो बट हो सकता है मेरे को ज़रूरत ही ना पड़े उस चीज़ की। यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग, पहले आयरन गोलम वाले फार्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आयरन गोलम फार्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोचा अगर इसकी टांग ना रहे तो बचे रहेगा क्या, नहीं यार इस पर ट्राई करना चाहिए। अरे नहीं नहीं गया मेरा सारा, गया रेलवे स्टेशन गया हमारा, ये क्या था, और ये कहाँ से आ गए यार, ये कहाँ से जम जाते हैं, अरे खत्म नहीं हो रहे, कहाँ से आ रहे, तो ये कैसे आ जाते हैं, पता नहीं शायद पानी वानी की साइड में आ जाते हैं या फिर क्या चीज है। ओके तो मैं ट्राई करने वाला हूँ इस वाले पे, ये हमारा है और मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी ये वाला तोड़ दूँ ना तो शायद पूरा हमारा फार्म जाएगा शायद, नहीं 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 बच गया, अरे बच गया,
मैं वही चीज ना यार कि एक मतलब एक ही जैसी चीजें होनी चाहिए। जैसे अगर हॉपर है, हाँ अगर इस वाले हॉपर को तोड़ूंगा तो पूरा जाएगा, मुझे लगता है कि पूरा हॉपर जाएगा, शायद स्टोन नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभी भी इसमें टिका रहेगा अगर देखा जाए, एक सेंसिबल बात अगर हम लोग कर रहे हैं सेंसिबल पर्सन की तरह। ओके तो हमारे पूरे हॉपर गए, हॉपर गए हमारे, नहीं नहीं अभी गया आधा पूरा गया लावा वाला। अरे नहीं यार अभी को इसको पूरा काटना चाहिए था। देखिए देखते हैं हॉ में कैसे खड़े रहता है ये चीजें। अब जाएगा, अब तो पक्का कंफर्म है जाएगा, पूरा जाएगा, क्योंकि बचा ही नहीं ना कुछ, किस पर खड़ा रहेगा हवा में चीज। मतलब यार इतना तो है कि हवा में हम लोग चीजें खड़ी नहीं कर सकते इसमें शायद। नहीं एक सेकंड, ये तो रह रहा है यार, ये तो मतलब बेइज्जती हो गई, तो रह रहा है खड़ा। देखो कैसा हो गया आयरन फार्म, क्या बन गया हमारा विलेजर। जॉम्बी किधर गया हमारा, वो देख के आते हैं और उसको मिल के आते हैं विलेजर। यार जॉम्बी उधर भाग गया, पता नहीं कहाँ भागा। तो ये हमारा विलेजर है बेचारा, कितने टाइम बाद कैद से बाहर आ रहा है। ओके तो अब जाके हम लोग देखते हैं कि ये हमारा फार्म काम नहीं, यार इसको देख के फायदा है क्या, इसको नहीं देखते हम लोग, देखते हैं ये वाला फार्म तोड़ते हुए कि ये कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मॉब्स भी हैं और मुझे लगता है कि यार ये बहुत सही दिखेगा हम लोग को देखने में। तो चलते हैं यहाँ पर ऊपर और इस वाले को तोड़ के देखते हैं। देखो इसकी नींव का तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसकी नींव किस पर अटकी हुई है, मतलब वही है ना हमको ऐसे ध्यान याद, मतलब ऐसे दिमाग लगाना कि किस पर अटकी हुई है। मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ इससे। अच्छा इससे कुछ नहीं होगा, नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो सेंस बन रहा है इसका, मतलब कई बार सेंस वाली चीज़ें हो रही है। अरे छुट छुट मेरे को भागना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं नहीं ये क्या हो गया, गया पूरा नहीं। अरे क्रीपर वगैरह आ गए सब, भागो यहाँ से छुट मैंने क्या कर दिया यार ये पूरा, ये जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अब छुट पूरा गया पूरा गया। वो बच रहा है फिर भी, मतलब बहुत जगह पे बचा हुआ है। वो ब्रिज में एक बार ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है वो ब्रिज, उसके बाद से लास्ट फाइनल हमारा जो ये वाला होगा, ये ब्रिज में देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ब्रिज का थोड़ा सा सेंस बनता है ना, अगर बीच से एक भी पिलर टूट गया तो ब्रिज टूट जाएगा। उसके बाद से फाइनल घर और बस फिर देखते हैं हमारा वर्ल्ड का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि घर की वजह से बहुत कुछ है यार इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट घर है हमारे घर इस चीज़ यहाँ जगह का। तो मेरे को ये तोड़ने होंगे और इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे बस बीच वाली चीज़ें गायब होंगी, ठीक है। अरे नहीं शिट ये क्या हुआ, गया पूरा गया। अब जाके अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये गया गया पूरा, मुझे लगता है ब्रिज गया हमारा। नहीं 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 गया। अरे अच्छा ये टीएनटी की तरह काम कर रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट देखने में लग रहा है टीएनटी की तरह काम कर रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि यार टीएनटी कहीं पर भी एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि उतना कुछ जो हम कहते हैं ना कि रियल लाइफ की तरह काम नहीं कर रहा है, जैसे कहीं पर कर रहा है कहीं पर नहीं कर रहा है। इसको भी तोड़ कर देख लेते हैं, ये तो खैर वैसे ही जाता है, तो यार और डेंजरस सा इफेक्ट आ रहा है इससे। रात का टाइम हो गया फिलहाल, अभी मुझे लगता है कि आज मुझे सो जाना चाहिए अपने विलेज में, और उसके बाद से हम लोग मॉर्निंग में उठ के चलेंगे अपने घर को तबाह करने, और उसके बाद से देखते हैं कि क्या दिखता है, कैसा दिखता है और कैसा होता है वो इफेक्ट। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अब जाके मेरे को जाके देखना अपना घर एक बार, हम लोग देखें हमारे विलेजर के घर कितने मजबूत हैं। दरवाजे से कुछ नहीं होने वाला मुझे लगता है दरवाजे से, क्योंकि दरवाजा हाँ वही ना, दरवाजा ऐसे कुछ किसी चीज़ से कनेक्ट थोड़ा ना रहता है। बट ये अगर इसकी इसने नींव सही से नहीं रखी होगी तो घर टूट जाएगा, ऐसे मैंने ही बनाया हुआ है। देखो क्या कर रहे हैं, पूरा टूट गया वहाँ से घर, आयरन गोलम मार रहा है, पता नहीं वो कीड़े कहाँ से आ जाते हैं यार, कहीं पर भी आ जा रहे हैं, लकड़ी वकड़ी पर किसी पर भी चीज़ पर। ओके तो अब बारी आती है, एक सेकेंड ये टूटा हुआ है क्या, वहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है, नहीं नहीं टूटा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार अब बारी आ गई है हमारे इस वाले घर को डिस्ट्रॉय करने की। ऐसी और कोई चीज़ नहीं है जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जिसको देखने में मज़ा आएगा, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा मैं इसको डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार जिसको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, इसकी एकदम बीच की कोई दीवार हटा के, ठीक है। जैसे मैं हटा रहा हूँ इसकी ये वाली दीवार, ओके तो मैंने हटा दी दीवार और ग्लास हमारे टूटने स्टार्ट हो चुके हैं, घर पूरा टूटने वाला ही है, बट घर शायद मुझे लगता है कि बच जाएगा। हाँ घर, अरे नहीं नहीं घर गया, थोड़ा सा गया। ओके तो हमारे सर में पत्थर गिर रहे हैं, बहुत सर में पत्थर गिर रहे हैं, चोट नहीं लग रही, कोई हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा है। अब जाके पम्पकिंस हटाने वाला हूँ, ठीक है पम्पकिंस हटा के देख रहा हूँ कि पम्पकिंस कैसे दिखते हैं हमारे घर के, और ये तो यार कुछ खतरनाक दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। देखो पम्पकिन बहते हुए कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो जा रहा है कहीं कहीं वो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा। मेरा घर हवा में अटका है क्या, किस चीज़ में अटका है यार, अभी भी नहीं टूट रहा है, मजबूत देख रहे हो कितना मजबूत है यार, मतलब ऐसा नहीं कि एक पत्थर पर टिका हुआ है, बचा है अभी भी। अब जाके इस पर ट्राई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ये वाले। मैं तो मैं यार अब मैं जैसे डिस्ट्रॉय करने का जो मैंने सोचा था ना, ये समझ के सोचा था कि मैं एक तोड़ूंगा और पूरा घर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो उसको देखने में भी अच्छा लगेगा, बट ऐसा हुआ नहीं यार, फिर तो फ़ायदा नहीं था ना इसको ये करके, मुझे लगता है। मैं तो ऐसा कुछ देखना चाह रहा था कि भाई कैसा लगेगा,
अगर सोचो कि मेरा घर का पूरा सब कुछ एक साथ हो गया, बट हो नहीं रहा इससे कुछ ऐसा। थोड़ा बहुत तो टूट रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और सोचो अगर हम लोग ये रास्ता ही तोड़ दें यहां से। अच्छा अच्छा ये तोड़ के देखते हैं, एक सेकंड ये तोड़ के देखते हैं। ये नहीं तोड़ सकते क्या हम लोग? और शिट मैं गया था अभी। अब तो अच्छा है कि इलाइट्रा है मेरे पास। हमारा पोर्टल हवा में रह गया, एकदम ही हवा में रह गया। अच्छा ये ग्लास बचा हुआ है ना अभी भी। अच्छा अच्छा इसमें टिका हुआ है, थोड़ा वो सेंस तो बन रहा है। कभी कभी कह रहा हूँ सेंस बन रहे, कभी सेंस भी नहीं बन नहीं रहे। तो यहाँ पे ये ग्लास टूट गया। अब जाके मुझे नहीं लगता कि अब मेरा घर टिकने वाला है, क्योंकि हवा में नहीं रह सकती चीज़ें। और ये घर मेरा इसी पर टिका हुआ था पूरा। शायद चले जाए अभी। नहीं यार अभी भी बचा हुआ है, एक और ग्लास बचा हुआ है। ओके तो ग्लास बहुत सारा लगा के मैंने रखा हुआ है, तो एक और ग्लास बचा हुआ है। इससे शायद कन्फर्म है और अब मेरा घर टूट जाएगा। अगर अभी नहीं टूटा तो फिर बहुत मजबूत है, फिर तो मैं छोड़ दूंगा, फिर नहीं तोड़ सकते हम अपने घर को। नहीं 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 तोड़ सकते। एक बार मेरे को जाना है ऊपर और देख रहा कांच कैसे टूट के आ रहा है। वो तो अच्छी हुआ था कि यार हम लोग इससे कोई नुकसान हो नहीं रहा। अभी मैं जाना चाह रहा हूँ ऊपर। और अभी हमारा ये काम कर रहा है क्या अभी भी? अच्छा अच्छा काम कर रहा है यार अभी भी काम कर रहा है बहुत सही तरीके से। ओके तो अभी भी काम कर रहा है, बट मैं कहीं जा नहीं सकता मुझे लग रहा है। ओके तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और घर का पिलर तोड़ के देखना चाह रहा हूँ मैं, घर कैसे लगता है। ओ शिट ओ भी तेरी मैं गिर गया, मैं भी गया था पानी में। अच्छा वो तो तैरने लग गया, वरना मैं गया था नीचे। यार डर भी लग रही सही में, बहुत डर लग जा रही है एकदम ही ऐसा जब हो रहा है ना साथ में। ओके मेरा घर छुट। अबे यार ये बहुत सही था, बहुत ही ज़्यादा सही था यार। ये पानी में ऐसा गिरा ना, देखो इतना सारा पानी बह रहा ऊपर से, पूरा स्विमिंग पूल मेरा नीचे आ चुका है यार। इतना ज़्यादा खतरनाक ही हो गया पूरा। मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या अभी? अबे यार मैंने क्या कर दिया, अपने घर वर सब तोड़ दिए। रेलवे लाइन बची हुई है, रेलवे लाइन का एक बार देखते हैं कि तोड़ के क्या दिखता है। देख रहे हो मैं घर देख रहा हूँ, मतलब यार नहीं टूटा, पूरा नहीं टूटा, फिर भी बच गया घर हमारा। अब लास्ट हम लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे। ये पता नहीं किस चीज़ पर टिका हुआ है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है नहीं कि ऐसे टूटेगा, तो फायदा नहीं है उसको तोड़ के ऐसे अगर, क्योंकि नहीं टूट रहा है तो फिर फायदा नहीं है तोड़ के। दीवारें गया, ये पूरा जाएगा, ये तो पूरा जाएगा मुझे लगता है। अरे नहीं ये क्या, कहाँ से आ गया क्रीपर? स्केलेटन कहाँ से आ गया? गया स्केलेटन, उसकी ऑलरेडी हेल्थ कम थी। और ये हमारा ये भी टूट चुका है यहाँ से आज। अब यार हर चीज़ कैसे टूट जा रही है। और देखो ब्रिज देखना, सबसे डर तो तब लग रहा है जब ऐसा कुछ करो। देखो ये देखो, अरे छुट छुट, नहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि यार हवा में है लेकिन गिर रहे, हम सही में गिर जा रहे हैं। छुट समझ नहीं आ रहा ये तो यार, बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है कि गेम बना देगा। देख रहे मैं कहाँ चले गया, मैं एक सेकेंड समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। अरे नहीं क्या क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ हूँ। और ये कितना खतरनाक लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े झरने पर आ गया। देख रहे हो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और मैं जाना चाह रहा हूँ ऊपर एक बार। ऊपर जाके मैं सोच रहा हूँ कि घर को तोड़ूँ कुछ चीज़ को। आई होप कि मेरे पास बैकअप हो यार, मतलब मैं देख तो लिया था, बट वही वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत पहले से बैकअप लेके रखता हूँ, ऐसा हो चुका है मतलब मेरे साथ। और मुझे लगता कि नहीं नहीं बैकअप है, कोई टेंशन नहीं है। और कई बार दोबारा चीज़ें बनानी पड़ती हैं ऑफ कैमरा, ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मतलब ये तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, बट मैं एक बार खेत देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग ये चीज़ें बना लेंगे दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ महीनों में दोबारा से। ओके अब मैं तोड़ना चाह रहा हूँ ये। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये, मतलब पता मज़ा तब आ रहा है जब हवा में रह जा रहे हम लोग। तो मैं तोड़, शूट मैं नीचे कैसे गिर रहा हूँ? अरे यार नहीं नहीं हमारा खेत नहीं गिरा यार, खेत भी नहीं गया, मतलब पूरा नहीं जा रहा है ना, देखा जाए तो पूरा नहीं टूट रहा कुछ भी। मैं किसी विलेजर का कुछ तोड़ूं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या तोड़ना चाहिए। इनका घर तोड़ते हैं, अगर देखो घर कैसे टूट रहा है। रियल लाइफ में जैसे टूटता है ना चीज़ें, वैसे नहीं टूट रहा है। वैसे तो नहीं टूट रहा इतना बता दें। इस आयरन गोलम को हम लोग यहाँ पे, अरे हमारा डॉग भी तो है। तो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद से मैं छोड़ रहा हूँ उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। और ये भी हमारा गया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया मैंने यार।
मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आज के एपिसोड हम लोग करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप कि मेरा वर्ल्ड अच्छा चेस्ट में देखना चाहते हो क्या? चेस्ट एक बार फाइनल, मेरा भी मन कर रहा है क्योंकि चेस्ट का ढक्कन देखूं कि जो उसका बॉक्स का ऊपर वाला है वो कैसे टूटता है। वो लास्ट चीज है ना, देखो घर तो हमने देख लिया तो ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं, हम लोग भरपाई कर लेंगे उसकी। हम लोग तोड़ते देखो हमारा फिट हो गया, मेरा घर मेरी चेस्ट बहुत बड़ा एरिया कवर कर ले रहा है एक साथ ही ये पूरा। और इसको देखते हैं, ओह शिट 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 गया सारा है। मतलब इस तरह का डिस्ट्रॉय करना हो ना कभी वर्ल्ड, इस तरीके से करो तो ज्यादा सही है। बट वही जैसे देखो अगर यही सब चीजें मैं TNT से कर रहा होता ना बहुत मजा आता है, क्योंकि TNT में साउंड इफेक्ट होता है, बट इसमें साउंड इफेक्ट नहीं होता तो थोड़ा अजीब लग रहा है बिना साउंड इफेक्ट के, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा साइड की चीजें नहीं तोड़ रहा है? नहीं तोड़ तो रहा है यार। अरे मेरा वर्ल्ड कैसा हो गया, ये क्यों बचा है? तो इसको भी तोड़ते हैं, सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हैं एक एक करके हम लोग। अभी कन्फर्म है इसकी पूंछ को तोड़ते हैं और पूंछ पूरी गायब, आधे से आधा ऐसा लग रहा पॉटी करने बैठ गया। ओके अभी तोड़ते हैं इसको, ये भी गया हमारा पूरा, ये पूरा जाएगा मेरे को लग रहा है दीवार इसकी पूरी यहाँ से। और यहाँ तो फिर ग्रेवल है तो पूरा वैसे ही जाने वाला है, देख रहे हो कैसा चलेगा चीज़ यार, कल ही बनाया हुआ था। और ये देख के मेरे को गुस्सा है, मतलब ये कैसे हो गया यार, ये पूरा चले गया, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा यहाँ से पूरा गायब हो गया। और विलेजर एक सेकंड इनको दिखाना चाहता मैं कि क्या चीज़ है। ओह शिट शिट कहाँ चले गया, तो देखो कहाँ डूब गया, दलदल में फंस गया। अरे कहाँ चले गया, ओह शिट दलदल में फंस गया। अबे नहीं यार ये दलदल में फंस गया, ओह शिट अबे यार कहाँ फंस गया दलदल में, ये तो कुछ गलती हो जा रहा है यार, इससे ज़्यादा इनकी बेइज्जती क्या होगी, दलदल में फंस गए पूरे। एक सेकंड आयरन गोलम के साथ करना चाह रहा हूँ मैं दलदल वाला लास्ट। सोचो अगर ऐसे में विलेजर अटैक हो रहा होगा हमारे विलेज में तो कैसा होगा, मतलब कुछ जबरदस्ती होने वाला है यार। मैंने बहुत सारा कुछ नुकसान कर दिया बट अभी भी लग नहीं रहा कुछ नुकसान किया, क्योंकि बनाया उतना कुछ है मैंने तो। एक सेकंड इसको देखते हैं कि इसके लिए मुझे तो लग रहा है 3 ब्लॉक खोदने पड़ेंगे। आ नहीं पाएगा बाहर यार, ये मैं ऐसा करता नहीं हूँ बट आज पता नहीं क्या हो रहा है, दलदल में फंस गया। देख रहे हो दलदल से बाहर आ ही नहीं पा रहा। अब यार कितना नुकसान हो गया, मतलब कहाँ चले गया बेचारा। एक हमारा विलेजर है ना जो चोरी कर रहा था, ये लाइब्रेरी हमको कभी सही चीजें नहीं देता, इसको दलदल में फंसा इसको। शुट नहीं 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 और नहीं नहीं कहाँ फंस गया हूँ। अबे नहीं शुट मैं ऊपर कैसे आऊँगा अभी। ओके तो ऊपर मैं आ गया हूँ और तो यही था बहुत। अभी भी आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा कि कुछ ये आ गया क्या वापस, अभी भी आपको ऐसा कुछ लग नहीं रहा होगा कि मैंने कुछ डिस्ट्रॉय किया, बट बहुत कुछ डिस्ट्रॉय मैंने कर लिया। मेरी चेस देखो ये देखो, लेकिन जब भी ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा ना बहुत मेहनत लगने वाली इसको डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बनाया हुआ है और बहुत मेहनत लगी, तो मैं इसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा यार। वो तो बस था आज और अब देखूंगा बाद में जाके कि मेरे पास बैकअप पड़ा है नहीं पड़ा है। आज के एपिसोड करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।